नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और अब खबरों को देते हैं विस्तार। ग्वालियर के हसीरा थाना इलाके में निर्माणाधीन सड़क को लेकर हुए विवाद में स्थानीय पार्षद के पति के साथ उसके पड़ोस में रहने वाले एसएएफ आरक्षक द्वारा मारपीट कर दी गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने उनकी शिकायत सुनने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। हजीरा थाना इलाके के वार्ड क्रमांक 8 के नरसिंह कॉलोनी में पार्षद सीमा राठौर के पति धर्मवीर राठौर के साथ यहां उनके पड़ोस में रहने वाले एसएएफ के सिपाही विनोद राजावत से ये विवाद की घटना सामने आई है। दरअसल यहां पार्षद निधि से बन रही सड़क की गुणवत्ता को लेकर विनोद और धर्मवीर के बीच सुबह कुछ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद विनोद अपने घर से सर्विस रिवॉल्वर लेकर वापस पार्षद के घर पहुंचा और यहां पार्षद पति धर्मवीर के साथ मारपीट की कोशिश की। इस दौरान धर्मवीर का पुत्र आर्यन राठौर रिवॉल्वर की बट से घायल हो गया। मौके पर पार्षद पक्ष के लोगों की भीड़ देखकर बाद में आरक्षक वहां से अपनी रिवॉल्वर लेकर फरार हो गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने हजीरा थाना पहुंचकर मामले की जानकारी दी। मेरी पत्नी पार्षद है वार्ड नंबर 8 से, तो मैं वहां सीसी का काम करा रहा था। ऐसे अब मैं आरक्षक है विनोद राजावत, तो मेरे से बोला कि रोड सही नहीं चल रहा। तो मैंने कहा यार काहे के लिए अड़ंगा लगाते हो, काहे के लिए दिमाग खराब कर रहे हो, सही तो डल रहा है रोड, कहाँ खराब है, मैंने देखो उसको। बोले कैसे बात कर रहे हो तुम मेरे से, हर किसी से एक जैसी बात मत किया करो। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो मैं चला गया घर नहाने के लिए, मैं कपड़े उतारे ही थे, फिर ये उधर से आया पिस्टल लगा के सर्विस रिवाल्वर, फिर बोला कहाँ क्या बोल रहा था तू। तो मैंने कहा मैंने क्या बोला भैया, नहीं तू हर किसी से एक जैसे मत बोला करे। फिर मेरे को गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, मेरी पत्नी आ गई, तो पत्नी से कहने लगा जहाँ रहने नहीं दूंगा, पार्षद ही तो 4 दिन की है। तो हमने कहा कि क्या बोल रहा है, तो फिर उसने सर्विस रिवॉल्वर निकाली, सीधी मेरे में मार रहा था, तो वहाँ जो लड़के बैठे थे उनने बचाया, मेरा बच्चा भी आ गया। तो बच्चा ने मुझे बचाया, तो इस बीच में वो पिस्टन लिए हुए था, तो पिस्टन सीधी उसके सर में मार दी, जिस टाँके आए हुए हैं आर्यन राठौर, हाँ पिस्टन का बट लगा हुआ है। रामलखन सिंह का पीएसओ है ऐसे आप में, नरसिंह नगर 4 सरगना का, मेरे घर के पास का। वही पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, दोनों पक्ष अभी थाने पहुंचे हैं और उनके बयान के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा। ये वार्ड क्रमांक 8 है नरसिंह नगर कॉलोनी में, पार्षद पति हैं धर्मवीर राठौर और उनका बेटा वहाँ निवास करता है, रोड बनवा रहे थे सरकारी, जिस पर से उनसे पड़ोसी विनोद का विवाद हो गया, विवाद में कोई मारपीट हुई है ऐसी सूचना आई है और ये थाने पर आए हुए हैं, लेकिन दोनों पार्टियां खड़ी हैं। अगर अपराध पंजीवत कराते हैं तो अपराध पंजीवत करेंगे और विवेचना करके कार्रवाई करेंगे। ये जांच का मुद्दा है, क्या सही है गलत है, ये जांच करने के बाद तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी मेरी बातचीत ज़्यादा नहीं हो पाई है, ये लोग आपस में ही बातचीत कर रहे हैं, जैसे भी ये करेंगे विवाद वही सड़क बनाने का है, वो सड़क बनाने पर एक छोटा बड़ा कहीं चबूतरे उतरे कोई विवाद होगा, अब वो जब सामने आएगा तो उसको भी जाँच करेंगे। ग्वालियर नगर निगम के वार्ड 8 में पार्षद पति और उसके पुत्र के साथ पड़ोसी एसएएफ आरक्षक द्वारा की गई मारपीट और मामले की सुनवाई पुलिस द्वारा नहीं किए जाने पर पार्षद सीमा राठौर, पार्षद पति धर्मेंद्र राठौर और घायल पुत्र एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां एसपी नवनीत पसी ने उनकी बात को सुनते हुए संबंधित थाने की पुलिस को मामले की सही जाँच करने के आदेश दिए। इस बीच मारपीट की इस घटना के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दोनों पक्षों के बीच झगड़ा होता दिखाई दे रहा है। एसपी साहब ने बोला है कि 25/27 की एफआईआर होगी, टीआई को भी बोला है, मैं थाने जा रहा हूं। कौन से बोला है? 2 घंटे में गिरफ्तार करने का बोला है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन शनिवार से शुरू हो गया। गालव सभागार में आयोजित हो रहे अधिवेशन के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एलएनसीपीई त्रिवेंद्रम के भूतपूर्व प्राचार्य प्रोफेसर एमएल कमलेश एवं मुख्य वक्ता के रूप में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस महाराष्ट्र के कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा और विशिष्ट अतिथि एलएनआईपीई के कुलपति प्रोफेसर दिलीप कुमार डुरेहा, अर्जुन अवार्डी विजय सिंह चौहान शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता जेयू की कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला द्वारा की गई। जीवाजी विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन 17-20 प्रारंभ हुआ है,
इस सत्र का उद्घाटन हमारे जाने माने ओलंपियन अशोक चौहान जी, प्रोफेसर कमलेश, प्रोफेसर दिलीप दुरैया, प्रोफेसर संगीता शुक्ला तो और करमंडे साहब के द्वारा किया गया। ये ऐसी हस्तियां हैं जो भारतवर्ष को, ग्वालियर जीवाजी विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में गौरवान्वित किया है इन्होंने। जैसे अशोक चौहान साहब हैं, इन्हें आयरन मैन ऑफ एशिया कहा जाता है और रिकॉर्ड के साथ उन्होंने ओलंपियन में लिया था और जो सबसे बड़ा अर्जुन अवार्ड जो होता है खेल के क्षेत्र में वो उनको प्राप्त है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जो है आज हमारे बीच में हैं और हम उनका स्वागत करते हैं इस माध्यम से। साथ ही जो है एक आज हमारे पूरे देश के बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स जो हमारे खेल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रिसर्च के क्षेत्र में, ओलंपियन के क्षेत्र में, वो सभी लोग यहाँ आए और यह कार्यशाला का उद्देश्य, सेमिनार का उद्देश्य यही है कि हमारे जो नवोदित जो शोधार्थी हैं और जो छात्र छात्रा हैं उनको इनके अनुभवों का लाभ मिले, इनके जो सुझाव होंगे, इनके जो मार्गदर्शन होगा उनको आगे रिसर्च करने में और अपने आप को उभारने में, अपने आप को स्थापित करने में वो उनका सहयोग मिलेगा। ग्वालियर जिलाधिकारी की कमान संभालने के साथ ही कलेक्टर अनुराग चौधरी द्वारा जिले में चल रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी लेकर उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। इसी तारतम्य में शनिवार को उन्होंने बाल भवन परिसर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जिले में हो रहे कार्यों का प्रेजेंटेशन देखा और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक के दौरान निगम आयुक्त संदीप माकिन, स्मार्ट सिटी के CEO महित तेजस्वी सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कलेक्टर द्वारा स्वच्छता रैंकिंग में ग्वालियर के पिछड़ने को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लिया। स्मार्ट सिटी का मतलब मेरे कार्यकाल का पहली मीटिंग आयोजित की गई थी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को समझा गया और स्मार्ट सिटी के लिए जो भी व्यवहारिक एस्पेक्ट्स हैं उस संबंध में अभी फील्ड विजिट भी किया जाएगा। कल इसी तारतम्य में नगर निगम की स्वच्छता रैंकिंग को लेकर भी जो हुआ है उसके कारणों पर भी डाला जाएगा। कल 11 बजे हम दोबारा एक मीटिंग लेने आएंगे। हम उम्मीद करते हैं अगले आने वाले कुछ महीनों में कुछ चेंजेस आपको दिखाई दे पाएंगे। पुलिस हर महीने यातायात नियम तोड़ने वाले करीब 5,000 वाहन चालकों के चालान बनाती है, लेकिन इस महीने महज 5 दिन में ग्वालियर पुलिस का लगभग 50% टारगेट पूरा हो गया है। लोकसभा चुनावों के लिए लगी आदर्श आचार संहिता के चलते इस बार पुलिस ने 10 मार्च से लेकर 14 मार्च तक 5 दिन में 2,601 चालान बनाकर 10 लाख रुपए वसूले हैं। खास बात तो यह है कि पहली बार किसी महीने में सिग्नल तोड़ने वालों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई। पिछले महीने तक सिग्नल तोड़ने वाले महज 10 से 15 वाहन चालकों पर कार्रवाई होती थी, जबकि इस बार आंकड़ा 190 तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग, अभी आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव आयोग के निर्देश में और SP साहब के दिशा निर्देश में यहाँ पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, जिसमें हूटर पर कार्रवाई, जिन गाड़ियों में, वाहनों में अवैध हूटर लगे हुए हैं, RTO से परमिशन नहीं है किसी प्रकार की और हूटर लगे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है, ब्लैक फिल्म पकड़ी जा रही है और नंबर प्लेट है नहीं है या फिर अगर है तो विधिवत नहीं है, उस पर कार्रवाई की जा रही है जी। सभी को वैसे अभी यातायात सप्ताह भी अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, जिसमें सभी लोगों को इतनी जानकारी दे दी गई थी कि हूटर या जो भी कार्रवाई होती है वो बिना RTO की परमिशन से नहीं होती है, तो सभी को मालूम है। और जहाँ तक है कि इस तरह की अगर कहीं भी हूटर ऐसे दिखता है तो उस पर अगर अपन देख लेते हैं वाहनों में लगा हुआ तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। गर्मियों की शुरुआत के साथ नगर निगम द्वारा शहर में संचालित 3 स्विमिंग पूल को फिर से शुरू करने की कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बाल भवन के पास स्थित तरुण पुष्कर में 70% कार्य पूरा हो चुका है और रंग रोगन का कार्य पूरा होने के साथ ही यहां आगामी महीने में लोगों के लिए स्विमिंग पूल शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। यहां सुरक्षा के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि स्विमिंग करते हुए किसी दुर्घटना की संभावना नहीं रहे। इसके लिए लाइफ गार्ड तो तैनात किए ही जाएंगे, साथ ही स्विमिंग पूल में एंट्री के लिए भी विशेष नियम बनाए जाएंगे। तरण पुष्कर को चालू करने की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं और 70-80% पानी अभी फिल हो गया है, इसके बाद फिल्ट्रेशन का काम चलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से सारे इक्विपमेंट्स, जो सुरक्षा उपकरण होते हैं, वो सब यहाँ प्रोवाइड रहेंगे और लाइफ गार्ड की ड्यूटीज फिक्स की जाएंगी, एक पैनल वाइज, एक
एरिया वाइज कि उनकी ड्यूटीज़ लिखित में ड्यूटीज़ रहेगी कि आप इसकी जिम्मेदारी अपने आप लें, उसी के बाद बच्चों को एंट्री दें। गेट पर सख्ती रखी जाएगी कि किसी अनजान या जो जिसको तैराकी नहीं आती उसको एंट्री ना दी जाए, और उसको दी जाए तो एक विशेष कोच के माध्यम से दी जाए कि ये कोच के साथ रहेंगे, ये निगरानी में रहेंगे। तो इस तरह से इसको मेंटेन रखा जाएगा और अप्रैल के पहले हफ्ते में तीनों पूल हम चालू कर देंगे। दीनदयाल नगर हमारा एक, ये तरण पुष्कर है और एक फूलबाग वाला हमारा बाल सरोवर। फॉर्म हम मंडे या ट्यूजडे से स्टार्ट कर देंगे 17-18 से, या संभवतः होली की छुट्टी है तो 22 से स्टार्ट कर देंगे। वैसे कोशिश ये रहेगी कि सोमवार से हम स्टार्ट कर दें। नया बस यही रहेगा, सुरक्षा को थोड़ा सा ध्यान विशेष ध्यान दिया जाए, और बाकी अभी इसको फिल जैसी हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ट्रायल पे देखेंगे, जो भी कमियाँ होंगी उसको पूरा कर देंगे, और जब सेटिस्फेक्शन हो जाएगा जिस दिन और सभी लोगों की से इसको चेक करा लिया जाएगा, उसके बाद ही इसको आम जन के लिए सुविधा मुहैया कराई जाएगी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ग्वालियर के थीम रोड स्थित वीर सावरकर सरोवर को फिर से संवारा जाएगा। यहाँ पिछले कई महीनों से ताल को खाली कर रिनोवेशन का कार्य जोर शोर से चल रहा है और अगले महीने तक कटोरा ताल को फिर से भरकर सैलानियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्वालियर के शामिल होने के बाद यहाँ स्मार्ट सिटी अथॉरिटी द्वारा कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें पुराने पार्कों, सरोवर और ऐतिहासिक धरोहरों को भी संवारने का काम किया जा रहा है। इसी तारतम्य में थीम रोड पर बने वीर सावरकर सरोवर को भी स्मार्ट सिटी योजना के तहत नया रूप दिया जा रहा है, जिसमें पार्क में मरम्मत के साथ ही यहाँ नए फव्वारे और लाइटिंग की व्यवस्था तो की ही गई है, साथ ही पानी को फिल्टर करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाया गया है। बताया गया है कि कटोरा ताल को स्मार्ट सिटी अथॉरिटी द्वारा करीबन 2,17,00,000 रुपए की राशि से संवारा जाएगा और अगले महीने इसे दोबारा सैलानियों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। हम अभी इस मेरे पास फाइनल डेट नहीं आई इसकी, पर कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी खींचें। और इसमें म्यूजिकल फाउंटेन है, फिल्टर वाटर है, प्लांटेशन है अपना, और पहले से तो उससे बहुत बेस्ट बना रहे हैं इसे हम। वाटर फिल्टर से यहाँ का जो टैंक का पानी है, यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन है ना, उसमें बढ़िया से क्लियर पानी रहेगा उसका, इससे उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है और वो अच्छे से चल सकेगा। हाँ, इसकी संभावना अभी मेरे पे फाइनल डेट नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे कि इसे एक मंथ के समथिंग कम्प्लीट किया जाए। नया लोग इसमें वाटर फिल्ट्रेशन ही है अपना, म्यूजिकल फाउंटेन है जो पहले नहीं था, और पहला प्लांट्स रहेगा अपना ग्वालियर के अंदर, और अच्छे प्लेग्राउंड है इसमें, इक्विपमेंट लगा रहे हैं हम। पहले ब्रांच यहाँ पर न्यू बारादरी बनाई है हमने, बेंचेस बनी हुई हैं, पाथवे अच्छे से फिर से बनाया हुआ है, इसमें टाइल्स नहीं थी पहले, टाइल्स लगाई गई हैं, और वॉल पर अच्छे से पेंटिंग, न्यू रेलिंग भी लगाई गई हैं और न्यू लाइट्स। नहीं, अभी मछलियों का प्रावधान मुझे अभी कंफर्म नहीं है, पर इसमें फिल्टर वाटर रहे तो शायद ना रहे, और हो भी सकता है, मुझे कंफर्म नहीं है। विशेष सशस्त्र बल की 13वीं बटालियन का दीक्षांत परेड समारोह शनिवार को कंपू स्थित 13वीं बटालियन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक विजय यादव सहित बटालियन के कमांडेंट अमन सिंह राठौर यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान एसएएफ के 226 नव आरक्षकों द्वारा पद की शपथ लेकर दीक्षांत परेड की गई, जिसके बाद अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक विजय यादव ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षकों को पुरस्कार भी वितरित किए। पुरस्कार प्रथम से पुरस्कृत होने हेतु आंखों से बहने वाले आंसू बड़े अलबेले हैं, जिंदगी में बहुत सारा आशा तुम्हारा है। दिलकर की ये पंक्तियां बिल्कुल प्रासंगिक हैं इस कार्यक्रम के लिए, इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए। सभी नवारक्षक गण जो कि वस्तुतः आरक्षक भी हैं, सेवा में नियमित सेवा में, उनका प्रथम पद सभी अभिनंदन करें, सभी हौसला अफजाई करें। मैं पुनः निवेदन करता हूं
सर्कल ध्वनि से इस परेड की समाप्ति इस परेड के सोपान तक पहुंचने पर सभी नगरक्षकों और सभी नगरक्षक जी से जो हौसला अफजाई करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक निशान परेड का सबसे करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परेड कमांडर सहायक परेड कमांडर के पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए श्री विजय यादव साहब माननीय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महोदय जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर हमें अनुग्रहित किया है, कृतार्थ किया है, पूरी गरिमा के साथ मंच पर उपस्थित होकर पूरी परेड का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये हमारी 13 बटालियन में PTS है जिसमें SAF के जो नवरक्षक रहते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। उनका ये 9th बैच था और इसमें जितने भी बटालियन से MP की उन सभी के नवरक्षक रहते हैं। इसमें श्री ADG SAF विजय यादव सर एज ए चीफ गेस्ट आए थे और बड़ी अच्छी परेड यहाँ पे हुई जो आप लोगों ने देखी है। 226 नवरक्षक आज पास आउट होकर सेवा को ज्वाइन कर रहे हैं। जी अलग अलग विषयों में इंडोर आउटडोर के जो टॉपर्स थे उन सभी को पुरस्कृत किया गया है। दिल्ली में रहने वाली एक युवती को धर्म बदलकर प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्वालियर के इंद्रगंज थाने में पहुंची युवती ने पुलिस को बताया कि दतिया में रहने वाली एक युवती से उसकी दोस्ती थी और वो अपनी सहेली के साथ ग्वालियर आती जाती रहती थी। इस दौरान एक युवक से उसकी दोस्ती हो गई। युवक ने महिला को सैंकी कपूर के नाम से अपना परिचय कराया। जब दोनों की दोस्ती गहरी हो गई तो युवक ने महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाकर ग्वालियर के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, जिसके बाद पीड़िता को पता चला कि युवक का असली नाम फैजल खान है और वह नाम बदलकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। ये एक लड़की है, दिल्ली की रहने वाली है। वो इसकी एक फ्रेंड थी दतिया की, तो वो दतिया वाली फ्रेंड दिल्ली में पढ़ती थी, तो ये दोनों की फ्रेंडशिप हुई वहाँ पे। तो फिर दतिया वाली जो लड़की थी वो मरार में रहने आ गई यहाँ से ग्वालियर से एजुकेशन के लिए। तो इसका इस उसकी फ्रेंड के यहाँ दतिया से यहाँ मतलब दिल्ली से ग्वालियर आना जाना होता था, और उसी दौरान ये लोग कहीं पार्क में गए थे तो वहाँ पर ये फैजल नाम का जो आरोपी है इससे इनकी पहचान हुई, जान पहचान हुई, नंबर एक्सचेंज हुआ और फिर दोनों रिलेशनशिप में आ गए। और उस समय तक तो मतलब उसने ये कहा था कि हम लोग मैं सैंकी कपूर हूँ और अपना नाम पता गलत बता के और उसने शादी का झांसा दे करके और इसके साथ में गलत काम किया। और उसी संबंध में लड़की हमारे पास परसों आई, पूरी घटना के ऊपर हमने बातचीत की, पूछताछ की, बताया उसने, उस हिसाब से फिर हम लोगों ने अपराध पंजीकृत कर लिया गया। चिनौर से ग्वालियर आ रही एक सवारी बस विक्की फैक्ट्री के पास तेज गति से आ रहे ट्रॉले से भिड़ गई, जिससे बस के क्लीनर की मौत हो गई और अन्य सवारियां घायल हो गईं। बताया गया कि विक्की फैक्ट्री चौराहे के पास एक बाइक सवार युवक को बचाने के चक्कर में बस ट्रॉले से जा भिड़ी, जिसमें बस के क्लीनर कल्लू श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई एवं 3 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें तत्काल JH में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। पुलिस ने फिलहाल क्लीनर की मौत पर मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दुर्घटना में क्षतिग्रस्त दोनों वाहनों को भी जब्त कर थाने में खड़ा कर दिया है। ये विक्की फैक्ट्री के पास में बस और ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, उसमें एक्सीडेंट में एक व्यक्ति मर गया है। उसमें मोबाइल से संपर्क किए तो बता रहे हैं कि ये कल्लू लाला नाम का व्यक्ति है जो चिनौर का रहने वाला है, ये शायद बस का कंडक्टर बता रहे हैं इसको। कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे हुआ? ये बस और ट्रक के बीच में हुआ, ये विक्की फैक्ट्री के पास में। हाँ, घायल का भी क्लियर नहीं हो पाया है। कितनी उम्र होगी? ये एक उम्र करीब इसका 40 साल बता रहे हैं। ग्वालियर के झांसी रोड थाना इलाके के सखिया बिलास कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है।
पुलिस के अनुसार रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें सबके रेलवे ट्रैक के पास पड़े होने की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा करा, उसे पीएम हाउस के लिए रवाना किया। मृतक की अभी पहचान नहीं हो सकी है, पुलिस इसके लिए आसपास के थानों से जानकारी मंगा रही है जिससे मृतक की पहचान हो सके। ये कल रेलवे गैंगमैन ये सूचना दिया था कि अपने झांसी रोड थाना से थोड़ा सा आगे ये सखिया विलास है, उसके पीछे रेलवे ट्रैक है, वहाँ एक अज्ञात व्यक्ति का लाश मिला है। तो सूचना पर से हम लोग गए वहाँ, उसके मौके पर अज्ञात व्यक्ति का वहाँ कार्रवाई किए, उसके बाद डेड बॉडी को भी डेड हाउस में रखवा दिए हैं। कितने दिन पुराना था और कितने कैसा लग रहा है? ये ऐसे लग रहा है कि ये कोई दिमाग से कमजोर है आदमी। कितने दिन पुराना था? ये कल मिला था इलाज। कुछ माना पड़ा कौन है क्या? अभी तक अज्ञात है, अभी उसको पता नहीं कर रहे हैं, मिल जाए उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे अपन। कहाँ पे मिली थी? ये रेलवे ट्रैक में। बिलावा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अवैध रूप से फर्जी रॉयल्टी काट रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग पिछले काफी समय से गिट्टी की अवैध रॉयल्टी बनाकर ट्रक वालों को देकर एक बड़े गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। इनसे शासन को भी लाखों रुपए राजस्व का प्रतिदिन नुकसान हो रहा था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से गोरख धंधे में उपयोग होने वाला सामान भी बड़ी मात्रा में बरामद किया है। आपको बता दें कि डबरा अनुविभाग के बिलौआ क्षेत्र में गिट्टी के 100 से अधिक क्रेशर संचालित हैं। यहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में ट्रक और डंपर गिट्टी का वैध और अवैध परिवहन करते हैं। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग यहां रॉयल्टी की फर्जी रसीदें बना रहे थे। प्रशासन को जब इस बात की जानकारी लगी तो थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की सूचना दी और SDM जयंती सिंह के साथ एक संयुक्त कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्षेत्र में संचालित गंगा भोजनालय पर दबिश देकर आरोपियों से मोबाइल, लैपटॉप, कैलकुलेटर, प्रिंटर और फर्जी रॉयल्टी के साथ 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जो इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। पुलिस अभी सभी आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है जिससे इनके अन्य साथियों का भी पता लगाया जा सके। हम इसमें कार्रवाई आगे जारी रखेंगे, वैसा भी कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई आगे जारी रहेगी। यदि ऐसा कुछ मिल रहा है तो उनके ऊपर भी इसी प्रकार से कार्रवाई करी जाएगी। धन्यवाद। कलेक्टर साहब और SP साहब के मार्गदर्शन में बिलौआ में राजस्व, पुलिस, माइनिंग, सेल टैक्स और खाद्य के साथ संयुक्त कार्रवाई करी गई। इसमें लेबर का टीम भी शामिल था। गंगा भोजनालय पर फर्जी रॉयल्टी की पर्चियाँ फोटोशॉप करके बनाई जा रही थी और इसके साथ में हमें वहाँ GST के कट्टे बरामद हुए हैं। फर्जी नाका पर्ची भी बरामद हुई है और तौल काटा पर्ची भी फर्जी तौर पर बनाई जा रही थी, जिसको जब्त करके आगामी कार्रवाई हेतु। मैम कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी जानकारी के मुताबिक जो पुलिस से आई है उसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कराया गया है और FIR भी कायम है। अभी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, आगे जाँच में पता चल पाएगा। मेरे द्वारा अभी हाल ही में थाने का बरामद की गई है और मुखबिर सूचना मिलने पर SDM डबरा जयंती सिंह जी के नेतृत्व में SDOP डबरा श्री देवेंद्र सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में बिलौआ पुलिस के द्वारा बिलौआ तिराहे पर स्थित गंगा भोजनालय के संचालक मुकेश शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उसके अन्य 4-7 साथियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा खनिज विभाग से संबंधित दस्तावेज, रॉयल्टी, क्रेशर की रसीदें और GST रसीदें आदि, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक तौलपाटा आदि के माध्यम से इनके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर और अवैध रूप से कार्रवाई की जा रही थी। गाड़ियों को निकाला जा रहा था, इसमें शासन को खनिज की आय का नुकसान हो रहा था और इनके द्वारा अवैध रूप से कमाई की जा रही थी, लाभ प्राप्त किया जा रहा था। प्रकरण चूंकि खनिज विभाग से संबंधित था, इस कारण से खनिज निरीक्षक की रिपोर्ट पर हमने इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पेश किया गया है। और अब हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहिए इंडिया खबर लाइव के साथ। नमस्कार।